कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण क्या फिर से ट्रेन रद्द हो जाएंगे? सभी ट्रेन, रेलवे का आया बड़ा बयान। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसारने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों को पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर दी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन तो उसमें वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में एक सवाल उठने लगा है कि क्या देश में ट्रेनों के बंद होने के सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। इस संबंध में इंडियन रेलवे की ओर से एक ताज़ा बयान सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर साफ किया कि इंडियन रेलवे का ट्रेनों का दौरान या उस पर पाबंदियाँ लगाने का अभी कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा है कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। सभी को कहना चाहता हूं कि मांग के अनुसार ट्रेनों की चलाई जाएगी। इस महीने में रेलवे स्टेशनों पर यात्री की संख्या समान देखी गई है। हम जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट को भी खारिज किया है जिन्होंने दावा किया जा रहा था कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरत होगी। शर्मा ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जिन मजदूरों को पायलन की बात कही जा रही है वो पायलन की नहीं बल्कि रेलवे में सामान्य यात्री है। नाइट कर्फ्यू के बचने के लिए ये जल्दी स्टेशन पहुंच जाते हैं जिनकी वजह से भीड़ दिखाई दे रही है। ट्रेनों की आवाजाही रोकने या कम करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका व्यापक प्रसार देखा जा रहा है। इसके देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर आजकल प्रभाव प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी है। जिन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री बंद की गई है उनमें से लोकमान्य तिलक टर्मिनल, कल्याण, थाने, दादर, पनवेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल शामिल है।